नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मानिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट की नई गाइडलाइंस आई हैं, इसकी वजह से काफ़ी ट्रैवलर्स को बैगेज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में हम बैगेज रिलेटेड सभी जानकारी हासिल करेंगे जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो चाहे आपकी फ़्लाइट हो एयर इंडिया की, गो एयर की, इंडिगो की, विस्तारा की, स्पाइस जेट की या फिर एयर एशिया की, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बैग आपको जमा कराना है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, जो बैग आप अपने साथ कैबिन में लेके जाएंगे वो कितने किलो का हो सकता है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आप कैबिन बैग के अंदर लेके जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो है आप कैबिन बैग के अंदर नहीं लेके जा सकते। और अगर आपके पास कोई डेलिकेट चीज़ है जिसका आपको डर है कि अगर वो बैगेज में मैंने दी तो वो टूट सकती है पर उसका साइज़ कैबिन बैग से बड़ा है, तो आपको उस केस में क्या करना है और हम जानेंगे कि बैग टैग की ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो बैग आपको जमा कराना है वो कितने किलो का होना चाहिए। तो जो आप बैग जमा कराएंगे, अगर तो आपकी फ़्लाइट है गो एयर की, इंडिगो की, विस्तारा की, स्पाइस जेट की या फिर एयर एशिया की, तब तो आप 15 किलो सामान लेके जा सकते हैं जमा जिसको आपको कराना है। बात करते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से। तो अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आप एक में, तो अगर आप जा रहे हैं फर्स्ट क्लास से तो आप लेके जा सकते हैं 40 किलो, बिजनेस क्लास में 35 किलो, इकोनॉमिक क्लास में 25 किलो, अगर आपके साथ कोई भी बच्चा जा रहा है किसी भी क्लास में तो 10 किलो, एयरलाइंस में आप लेके जा सकते हैं 15 किलो और अगर आपकी एयरलाइंस की फ़्लाइट जा रही है शिमला या कुल्लू तो वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 10 kg। अब जान लेते हैं विस्तारा की बैगेज पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप जा रहे हैं इकोनॉमिक क्लास में तो आप एक 7 kg का हैंड बैग या कैबिन बैग अपने साथ लेके जा सकते हैं, प्रीमियम इकोनॉमी में आप 10 किलो का लेके जा सकते हैं और बिजनेस क्लास में 12 किलो का लेके जा सकते हैं। और आपका जो चेक इन बैगेज होगा इकोनॉमिक क्लास में वो हो सकता है मैक्सिमम 15 केजी का, प्रीमियम इकोनॉमी में हो सकता है 20 किलो का और बिजनेस क्लास में वो हो सकता है 30 किलो का। कैबिन बैगेज के अलावा अपने साथ एक और पर्सनल आइटम लेके जा सकते हैं जो कि हो सकती है लेडीज हैंड बैग, कोई ओवरकोट, किसी भी तरीके का ब्लैंकेट, कैमरा या फिर बिनाकुलर्स, कोई भी पढ़ने वाली चीज़ जैसे कि बुक, इन्फेंट बेबी फूड मतलब कि आपके बच्चे का खाना, किंग स्टिक, अम्ब्रेला जो कि फोल्डिंग टाइप का हो, किसी भी तरीके की मेडिसिन जो आपको एरोप्लेन के अंदर चाहिए हो या फिर अस्थमा का इनहेलर और आपका लैपटॉप। इतनी तेज़ी से रूल चेंज हो रहे हैं, ये बैगेज कैपेसिटी आपके टिकट के ऊपर ज़रूर मैंशन होगा, तो ज़रूर ही आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कैबिन बैग में आप कितना सामान लेके जा सकते हैं। तो अगर तो आपकी फ़्लाइट है गो एयर, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया, तो आप 7 किलो लेके जा सकते हैं और ये एयर इंडिया में 1 किलो ज़्यादा है, मतलब आप कैबिन बैग में 8 किलो का सामान जो है लेके जा सकते हैं। और आप ज़रूर बैग का साइज़ भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 किलो इतने बड़े बैग में लेके जाए, उसके लिए पर्टिकुलर डायमेंशन दी गई है, मतलब आपका बैग का साइज़ इतना ही होना चाहिए, वही बैग आप अपने कैबिन में लेके जा सकते हैं। तो आप बैग का साइज़ चेक कर सकते हैं जो कि होना चाहिए। हाइट होनी चाहिए 55 cm मतलब कि 22 इंच, लेंथ होनी चाहिए 35 cm मतलब कि 14 इंच और विथ मतलब चौड़ाई हो सकती है उसकी 25 cm मतलब कि 10 इंच, जो कि आप एरोप्लेन के अंदर एज अ कैबिन बैग लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास बैटरी बैकअप है, मोबाइल है, पावर बैकअप है, लैपटॉप है, तो ये सारी चीज़ें आप कैबिन बैग में ही अपने साथ लेके जाइए। अगर आपके पास बैटरी बैकअप है स्पेशली तो उसको बिल्कुल भी लगेज में जमा नहीं कराना है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है लेके जाना। तो बैटरी बैकअप जो है, चार्जर है, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैबिन बैग में ही लेके जानी है। आपके पास कुछ ऐसा डेलिकेट है जिसका साइज़ बड़ा है, मतलब कि आप उसको अपने साथ एरोप्लेन के अंदर कैबिन बैग में नहीं लेके जा सकते हैं और आपको डर है कि कहीं वो टूट ना जाए, तो जब आप अपना बैग जमा कराएंगे तो जो भी एयरपोर्ट स्टाफ होगा आप उनको बता दीजिए कि इसमें कुछ डेलिकेट चीज़ है, मतलब कि कुछ फ्रजाइल है जो कुछ टूट सकता है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक स्टिकर होता है तो वो आपके बैग के ऊपर फ्रजाइल का स्टिकर लगा देंगे। तो जब भी आपका बैग उठाया जाएगा तो बहुत ही ध्यान से उठाया जाएगा जिससे कि उसके अंदर जो भी चीज़ है वो ब्रेक ना हो और वो सामान बिल्कुल ही सही कंडीशन में डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर पहुँच जाए।
काफ़ी लोगों को बैकपैक से रिलेटेड भी कंफ्यूजन है। कुछ एयरलाइंस तो हैं जैसे कि इंडिगो, उनका ऑनलाइन बैकपैक निकल रहा है, पर इन केस आपका अगर बैकपैक नहीं भी निकलता है तो वो आप एयरपोर्ट पे जाके भी ले सकते हैं, क्योंकि बोर्डिंग पास होना कंपलसरी है, वेब चेकिंग करना कंपलसरी है एयरपोर्ट जाने से पहले, पर बैकपैक वहाँ पर जाके भी लिया जा सकता है। अब बैकपैक किसके लिए चाहिए, जो लगे जमा कराना है या फिर कैबिन बैग के लिए? अब कैबिन बैग क्या है, वो हमेशा ही आपके साथ रहेगा, तो उसके लिए आपको बैकपैक की ज़रूरत नहीं है। जो लगेज है जिसे हम जमा कराते हैं वो एरोप्लेन के अंदर जाता है, जब वो जमा होता है तो कई बार हो सकता है कि वो सामान जो है मिसप्लेस हो जाए, तो बैकपैक एक टिकट की तरह है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, हमारा PNR नंबर दिया गया होता है, तो वो बैकपैक जब हम बैग पे चिपका देते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है कि वो बैग हमारा ही है, तो कल को अगर बैग गुम जाए तो उसे ढूंढने में भी उससे मदद मिलती है। तो बैकपैक का ये पर्पस होता है, तो जो सामान हमें जमा कराना होता है उसके लिए बैकपैक कंपलसरी होता है, कैबिन बैग के लिए नहीं चाहिए होता। तो बैकपैक आप चाहे तो घर से निकाल सकते हैं, इनकेस आपसे नहीं निकाला जा रहा है तो आप एयरपोर्ट पे जाके भी उसे ले सकते हैं, उसे घर से निकालना कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद काफ़ी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि प्रिंट आउट लेके जाना है कि ई टिकट भी चलेगा, अगर आपके मोबाइल में आपका बोर्डिंग पास है, आप वेब चेक इन कर चुके हैं तो आपको प्रिंट आउट लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कैबिन बैग के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखिए, अगर आप लेके चले गए तो ये सारी ही चीज़ें फेंक दी जाएंगी, तो ज़रूर ये चीज़ें अपने साथ ना लेके जाइए। आप गन नहीं लेके जा सकते, ब्लेड नहीं लेके जा सकते, किसी भी तरीके का नाइफ़ नहीं लेके जा सकते, या फिर प्लास या पेचकस जैसी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते, प्लक्कर नहीं लेके जा सकते और सीज़र नहीं लेके जा सकते। मतलब अगर आपके हैंड बैग में कोई भी ऐसी चीज़ है जो शार्प है और जो एज अ वेपन यूज़ की जा सकती है, वो अंदर लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो चीज़ें बिल्कुल एरोप्लेन के अंदर ही अलाउड नहीं है वो हैं, आप किसी भी तरीके की एसिड नहीं लेके जा सकते, कोई भी पॉइजनस चीज़ नहीं लेके जा सकते, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आग लगने का डर हो वो नहीं लेके जा सकते, कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं लेके जा सकते और ब्लीच नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ें तो आप कैबिन बैग लगेज दोनों में ही नहीं लेके जा सकते। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आपको ट्रैवल करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेब चेक इन का क्या है, उसके लिए अलग वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट की गाइडलाइंस क्या आई हैं, उसके लिए भी वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।